रोल रोल एक रोल रोल बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राखी जी एडमिट है हॉस्पिटल में और काफ़ी उनकी स्थिति अभी क्रिटिकल है। कल हम लोग रात से हम लोग हॉस्पिटल में हैं। अभी उनके ब्रदर और कुछ रिलेटिव आए हैं तो मैं आया हूँ और आप लोगों को अपडेट, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे थे तो अपडेट करने के लिए मैं आया हूँ। काफ़ी उनकी स्थिति ख़राब है। उनको लाइक कल हम लोग करीब 8 बजे के करीब हम लोग शूटिंग पे जा रहे थे और रास्ते में उनको काफ़ी सीवियर पेन फील हुआ और 2-3 दिन से वो कंप्लेंट कर रही थी कि उनके चेस्ट में पेन है। बट कल रात में उनको कंप्लेंट था कि वो हाथ भी ऊपर नहीं उठा पा रही हैं और सेंटर में दर्द हो रहा है और कल उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई। तो हम लोग फिर मैं रास्ते में जहाँ भी नियर हॉस्पिटल था मैं वहाँ पे एडमिट कराया उनको। अभी काफ़ी उनकी स्थिति क्रिटिकल है क्योंकि सीवियर बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं उनके। सर सीधा सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्या हार्ट अटैक आया है? आप कंफर्म करना चाहेंगे? देखिए हार्ट अटैक तो मीन्स अब डॉक्टर ही बता पाएगा क्योंकि कल डॉक्टर ने अभी तक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कुछ भी हमें नहीं दिया। अभी कंटिन्यूअस हमारी बातें चल रही हैं क्योंकि ईसीजी भी नहीं हुआ अभी तक। ईसीजी इको दोनों हो चुका है। ईसीजी में क्या बताया उन्होंने? ईसीजी और इको का अभी तक लाइक के बाद उन्होंने एंजियोग्राफी शायद तैयारी की है। आज एंजियोग्राफी चल रहा है उनका और क्योंकि मुझे जहाँ तक टेक्निकल टर्म पता है कि जब ईसीजी के बाद अगर कुछ मेजर रहता है तो इको होता है, इको के बाद एंजियोग्राफी होता है। तो ये तीनों अभी एंजियोग्राफी चल रहा है। तो आपने कहा कि पेन आया हुआ था, तो क्या हार्ट में पेन हुआ था? क्योंकि डॉक्टर तो तभी बता देते हैं कि ये नॉर्मल हार्ट अटैक नहीं। अभी डॉक्टर इसलिए क्योंकि उनकी स्थिति अभी क्रिटिकल है, अभी नॉर्मल स्थिति नहीं हुई है, जिसकी वजह से डॉक्टर अभी बहुत सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। उनके पेट में भी शायद फाइब्रॉइड्स का कुछ बड़ा सा ये निकला है जो कि कैंसर का वो लोग कह रहे हैं कि शायद उसके वजह से भी उनको प्रॉब्लम हुई है। तो वो सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी तक फाइनल मुझे कोई कंफर्मेशन आया नहीं है कि क्या है। अभी तक उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कैंसर, क्योंकि उनकी हिस्ट्री, उनकी फैमिली की भी हिस्ट्री, उनकी माताजी को कैंसर हुआ है, तो क्या हम ये माने कि कैंसर की भी एक चांसेस है राखी जी को? जी अभी कह सकते हैं कि अभी डॉक्टर ने जो भी चीज़ कंफर्म किया है उनके पेट में बहुत बड़ा, मैं टेक्निकल टर्म तो जानता नहीं हूँ उसके, लेकिन हाँ पेट में कुछ बड़ा सा गोला है और उसके लिए उन्होंने कैंसर उसको वो लोग एग्जामिन के लिए भेजा। में कोई प्रॉब्लम हुआ है? हाँ उसी में यूट्रस में उनके हाँ कुछ गोला है और उसके लिए उन्होंने भेजा है फर्दर लाइक इन्वेस्टिगेट करने। क्या ये टाटा में भेजा गया है? अब ये तो पता नहीं है क्योंकि कहाँ भेजा गया है। अभी तो लाइक अभी तो वो लोग कलेक्ट किए हैं सैंपल और अभी उनको एग्जामिनेशन में रखा है। कौन सा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल केयर में नहीं, अभी हॉस्पिटल में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोग मीडिया में वहाँ पहुँच जाएंगे जो कि डॉक्टर ने अभी स्ट्रिक्टली मना किया है। बहुत क्रिटिकल में हम लोगों उनको एडमिट कराए थे क्योंकि ऑन दी वे हम लोग शूटिंग पे थे और रास्ते में मैं एडमिट करा रहा था। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे फैन से, दर्शकों से, आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि अभी आपने सीधी तरह से दो बीमारी की आपने बातचीत बता दी है। एक तो क्योंकि मतलब बच्चेदानी में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है, तो कहना चाहिए क्या बच्चेदानी को निकाला जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कैंसर की तरफ से एक इशारा आप कर रहे हैं राखी सावंत को कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है या हार्ट अटैक का? ये दोनों हार्ट अटैक में तो नॉर्मल डॉक्टर इमीडिएटली बता देते। देखिए हार्ट अटैक का जैसे अगर मैं जहाँ तक मुझे पता है हार्ट अटैक जो अगर अभी सर्वाइव कर गया, हार्ट अटैक आने के बाद जब सर्वाइव कर गया तो वह हार्ट अटैक कहलाता है। बट अभी वो सर्वाइव कर गई हैं क्योंकि ऑफकोर्स लाइक वो उनकी बातें हुई हैं सामने, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है क्योंकि उनके पेट में भी वो फाइंड किया गया है कि कुछ गोला वगैरह है और डॉक्टर अभी एग्जामिन कर रहे हैं। आप एक कंफर्म कर सकते हैं माइनर हार्ट अटैक आया है राखी को और पेट का प्रॉब्लम है, आप मतलब कंफर्म? हार्ट अटैक नहीं कह सकते हैं क्योंकि हार्ट अटैक जब तक डॉक्टर मुझे नहीं बताए, क्योंकि डॉक्टर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट नहीं सबमिट करेगा तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्या है। बट हाँ अभी उनकी स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल बनी हुई है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है,
कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो इनकी स्थिति एक साल के अंतराल में ख़राब हुई है। मैंने जब मैं बिग बॉस में था उस दौरान भी राखी की टेस्ट हुई थी पूरा, क्योंकि बिग बॉस में ये प्रोसीजर होता है, सारे टेस्ट होते हैं, उसमें राखी ऑल राइट थी और ये जितने भी उसके सिम्टम बिगड़े हैं वो एक साल में बिगड़े हैं। और कहीं ना कहीं मेरा शक है कि राखी जो क्लेम की है मीडिया में कि हाँ मुझे मार पड़ती थी, मुझे मारता था, और ये कहीं ना कहीं मेरा डायरेक्ट इशारा है, मैं हाइट वाला बात नहीं करता, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको मार पड़ी है और वो अंदरूनी चोट है जो अभी रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे कि आपने जानकारी दी है कि बच्चेदानी को लेकर राखी ने ऑपरेशन भी कराया था बच्चेदानी को लेकर, और एक डॉक्टर भी सामने आए थे जहाँ पर कहा गया था राखी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताया गया था, तो क्या हम समझ सकते हैं कि बच्चेदानी को लेकर काफ़ी परेशान